एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आई डिस्कस द टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर व्हिच इज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस गिव डाटा एंड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है कंप्यूटर को, लेकिन आउटपुट डिवाइस जो है वो हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से। ठीक हो गया, फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से लेता है, लेकिन इसका टू द कंप्यूटर हम कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस टेक डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूज़र एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो है वो लेता है डाटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र से। मतलब कि अगर मैं यूज़ करूँ कंप्यूटर तो मैं उसको जो है वो कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ उसको मैं दूँगी। तो एंड कन्वर्ट इनटू इट इन अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय। अब ये जो भी मैं चीज़ें दूंगी वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और आउटपुट डिवाइस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय अ यूज़र। आउटपुट डिवाइस जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर से देता है, और ये अंडरस्टैंडेबल होता है यूज़र के लिए। मतलब अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरे लिए वो अंडरस्टैंडेबल होगा, मेरे लिए समझने में इजी होगी और उसको मतलब कि इजीली मैं कर सकती हूँ। उसके बाद एग्जांपल इसकी इसमें आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड और माउस आ जाता है। इसमें आप कोई भी ले लें, जैसे मॉनिटर है हमारा, प्रिंटर है, जो कि हमें कंप्यूटर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज़ CPU, जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मोस्ट कंपोनेंट जो कह लें कंपोनेंट है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर भी दिमाग ना हो तो हमारा पूरा बॉडी का जो प्रोसेस है वो नहीं चल सकता। इसी तरह इसका जो है वो ब्रेन CPU, और CPU के बगैर जो पूरा कंप्यूटर बिल्कुल फ्लॉप कह लें, बिल्कुल ख़त्म कह लें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। दो नाम उन्होंने बता दिए कि इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कह दिया, कि इसको प्रोसेसर कह दिया। अब नेक्स्ट है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU। वही बात कि CPU के बगैर वो काम नहीं कर सकता। जैसे हम जो है वो बगैर अपने जहन के, बगैर अपने दिमाग के, अपने ब्रेन के विदाउट हम जो है वो वर्कआउट नहीं कर सकते, इसी तरह ये भी CPU के बगैर काम नहीं कर सकता। ऑल द कंप्यूटर मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम के कंप्यूटर्स के पास जो है वो CPU होना ज़रूरी है। CPU is located on the motherboard। अब ये जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये motherboard में प्रेजेंट होता है। motherboard मैंने आपको अपनी recent जो वीडियो थी उसमें डिटेल में बता दिया था कि motherboard क्या होता है। It performs all operation on the data according to the given instruction। ये perform करता है तमाम के तमाम function डाटा के ऊपर जो कि हमने जैसे इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे इसको इंस्ट्रक्शन मिलनी है, उसने उन तमाम डाटा के ऊपर जो है वो तमाम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन लाइक एडिशन। ये जो है अर्थमेटिक और लॉजिक, दो ऑपरेशन का उनको उन्होंने नाम जो है वो डिस्कस कर दिया। एक अर्थमेटिक है, एक जो है वो हमारे पास लॉजिकल है। तो ये लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह। इट एक्सक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। CPU कंसिस्ट ऑफ टू मेन यूनिट। CPU जो है वो दो मेन यूनिट्स पे जो है वो लाई करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह आप CPU को लिख सकते हैं कि CPU एक तो ALU पे, दूसरा कंट्रोल यूनिट पे, CU आप कह सकते हैं। वही उन्होंने लिखा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को ALU से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ ALU? ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो CPU का पार्ट है। एक्चुअली एक्सक्यूजन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। जो भी एक्चुअल एक्सक्लूजन होती है इंस्ट्रक्शन की, वो सारी इसमें होती है। ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन ALU। तमाम की तमाम जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है वो ALU में परफॉर्म होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स। ये दो यूनिट्स पे जो है वो लाई करता है। दो यूनिट्स कौन से? अर्थमेटिक एंड लॉजिक, जो कि इसके अंदर पहले उन्होंने बता दिया अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अब अर्थमेटिक और लॉजिक में क्या मेन डिफरेंस है? अर्थमेटिक यूनिट ऑफ द ALU परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। मतलब कि ये जो अर्थमेटिक है ये सारा हमारा जो है वो स्टैट कह लें कि आप ये बता सकते हैं कि ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उन सब की जो फंक्शन है वो सारे के सारे
सारे अर्थमेटिक यूनिट हमें बताए गए हैं ये परफॉर्म करेगा। अब लॉजिक यूनिट क्या होगा, लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डाटा या आइटम्स टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर दैन इक्वल और लेसर। मतलब कि लॉजिक वाला में हमें ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन स्टैट का है, आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन अकाउंटिंग का है, हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ये बायो का है, ये फिजिक्स का है या ये स्टैट का है, इस तरह हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। या ये भी आप कह सकते हैं कि हम दो डाटास को वो कलेक्ट कर लेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि ये जो है वो ग्रेटर है या ये जो है वो लेसर है या ये इक्वल्स हैं, इस तरह मतलब कि साइंस आप कह सकते हैं ग्रेटर लेसर अकाउंटिंग स्टैट, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड वाला उसका पार्ट था जिसको हमने CU कहा था वो है कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द CPU, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CPU का। इट जनरेट सिग्नल टू डायरेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, ये जनरेट करता है सिग्नल ताकि कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के एंटायर में जो है ये सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंट्रोल भी करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है कंप्यूटर सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज़ के साथ, वो कोई भी हो, वो अगर डाटा बना रही है, वो अगर परफॉर्म कर रही है या वो बाहर निकाल रही है, आउटपुट हमें दे रही है या हम इनपुट दे रहे हैं, उसमें सब में जो है ये हमारे पास हमारे साथ ये कंट्रोल करती है कोऑर्डिनेट करती है। इट डज़ नॉट एक्सिक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ, मतलब ये खुद से कुछ भी नहीं करती। और यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।